अस्सलाम वालेकुम, वी विल बी स्टार्टिंग सेक्शन ए जिसके अंदर हमें कुरान के बारे में बताया गया है एंड सम आयत्स जिसको हमें कवर करना होता है अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। सो सबसे पहली आयत जो हमें गिवन है वो सूरह बकरा आयत 177। ऑल्दो एक्सरसाइज के अंदर इसकी ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन का नहीं पूछा गया, बट सिंस इससे हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर इसमें से गिवन है एक्सरसाइज में, so it's better if you understand this ayat along with surah baqara surah nisa ki ayat 1 se lekar 5 tak aapke first chapter mein included hai. Let's start. It is not righteous that you turn your faces towards the east and the west, but righteousness is the one who believes in Allah and the last day and the angels, the book and the prophets, and gives away wealth out of love for him to the near kin and the orphans and the needy and the wayfarer and the beggars and for the emancipation of the captives, and keeps up prayer and pays his zakat, the performance of their promise when they keep a promise, and the patient in distress and affliction in time of conflict. These are they who are true and these are they who are pious. सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि राइचसनेस का मतलब है नेकी, यानी इस आयत के अंदर हमें बेसिकली ये बताया जाता है कि नेकी क्या है। हुआ ये था कि नबी जो हैं और मुसलमान जो हैं शुरू में, पहले उनका जो किबला था, किबला अव्वल जो था वो यरूशलम की तरफ था, बट जब आयत नाजल हुई थी जिसमें किबला हमारा बदल दिया गया था, तो वो जो किबला था हमारा, जो नमाज़ पढ़ने का जो डायरेक्शन था, वो हमने काबतुल्ला की तरफ कर दिया था। तो जो यहूदी थे वो पहले इस बात से खुश थे कि हम लोग भी अपना जो नमाज़ पढ़ने का जो किबला है वो हम लोगों ने उनकी तरह यरूशलेम की तरफ कर रखा है, बट जब किबला हमारा चेंज हो गया तो इस बात पे उनको नाराज़गी हो गई और उन्होंने कहा किस तरह का मज़हब है जो कभी ईस्ट की तरफ पढ़ता है नमाज़ तो कभी वेस्ट की तरफ पढ़ता है। तो इसी बात पर जो है खुदा ने यह आयत नाजिल की कि नमाज किसी भी तरफ में किया जाए उससे नेकी का कोई ताल्लुक नहीं है। नेकी का ताल्लुक इस बात से है कि शख्स एक ही खुदा पे यकीन करे, आखिरत पे यकीन करे, फरिश्ते पे यकीन करे और जो किताब नाजिल हुई है उन पे यकीन करे, जो अंबिया उतारे गए हैं जिन्होंने जो है खुदा का मैसेज फैलाया है वो उन लोगों पर यकीन करे, अपना जो दौलत है वो गरीबों को दे खुदा की राह में, अब वो गरीब चाहे वो उसके करीब के रिश्तेदारों के यानी कि उनकी फैमिलीज, ऑर्फन्स यतीम को दे, नीडी जो मदद जिनको मदद की ज़रूरत है, जिस तरह से आजकल क्योंकि बरसात के ऐसे सैलाब आ रहा है तो काफ़ी सारे विक्टिम्स हैं तो वो लोग नीडी हो गए, वेफेयरर यानी कि ट्रैवलर्स को ज़रूरत है, बैगर्स यानी कि फ़कीरों को, फॉर द इमैंसिपेशन ऑफ द कैप्टिव्स यानी कि और जो कैदी हैं उनको आज़ाद करने के लिए, इसके अलावा जो अपनी नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अपना वादा पूरा करते हैं, वादों को तोड़ते नहीं चाहे वो ज़बानी हो या जैसे भी हो, और मुश्किल हालात में सब्र का पैमाना नहीं छोड़ते, बेशक ये सब जो हैं नेक हैं। ठीक है, तो यानी कि खुदा ने कह दिया यहाँ पे नेकियों की बता दी कि एक नेक बंदा जो है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दैट इन दिस वर्स ऑफ सूरह बकरा द रियल स्पिरिट ऑफ फेथ एंड गुडनेस ऑफ इस्लाम इज डिस्क्राइब, यानी कि यहाँ पे ईमान के बारे में और अच्छाई के बारे में, नेकी के बारे में बता दिया गया है। शुरू में जो इंसिडेंट है वो यही है कि किबला हमारा तब्दील हो गया था। ठीक है, उसके बाद यह था पहले वो यरूशलम की तरफ हम लोग पढ़ते थे नमाज, उसके बाद हम लोगों ने काबतुल्ला की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बात पे जो है यहूदियों को मसला था क्योंकि यरूशलम जो है वो यहूदियों के लिए भी बहुत मुखलिस जगह है और मुसलमानों के लिए भी। तो जब हम लोगों ने अपना किबला चेंज कर दिया तो जो यहूदी थे उनको मसला हो गया। तो उन्हीं को जवाब देते हुए खुदा ने यह बताया है कि नेकी का जो है किबला से कोई ताल्लुक नहीं रखता, नेकी का जो ताल्लुक है वो इस बात पे है कि जो हमारे मज़हब कहता है उन सबको हमें निभाना, जो उनके फ़राइज़ हैं मज़हब के तौर मज़हब की तरफ से वो सब फ़राइज़ हम पूरे करें, मददगारों की जो मदद ज़रूरत है उनको मदद करें हम लोग, खुदा ने जो हम पे ड्यूटीज़ दी हुई हैं जो फ़र्ज किए हुए हैं उनको पूरा करें, जो अपनी डीलिंग्स हैं जो बातचीत है आप लोगों की या वादे करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट है कोई डील है तो उस पर हम लोग सीधे रहें, यानी कि हम लोग कोई गलत काम ना करें उस मामले में, और जो मज़हब है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके ये सब जो है हमारे नेकी के काम में आते हैं, ऐसे लोगों को ही नेक सच्चा
और पायस यानी तकवा वाले बंदे कहा जाता है। इस आयत से बेसिकली दो टाइप के सवाल आते हैं। एक तो बेसिकली सवाल आता है कि पूरी आयत के अंदर जो नेकी है वो कौन कौन सी हैं, और सेकेंड ये पूछा जाता है कि जब हम लोगों को अपराइट की बात की जा रही है कि हमें सब्र करना चाहिए तो कौन कौन से सिचुएशंस आ जाते हैं। जो सेकेंड आपके एक्सरसाइज में आयत गिवन है वो है सूरह निसा आयत 2। सूरह निसा की आयत ये कहती है कि एंड गिव द ऑर्फन्स देयर प्रॉपर्टी एंड डू नॉट एक्सचेंज समथिंग बैड ऑफ योर्स फॉर समथिंग गुड ऑफ देयर्स nor devour their property along with your own, for it's surely a great crime. ठीक, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सूरह निसा के पास यहाँ पे गार्डियंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि जब कोई यतीम हो जाता है तो उसका कोई गार्डियन होता है जिसको ख्याल रखता है उसके पेरेंट्स की जगह पे, तो उनको उनके जो है कुछ हकायक का बताया गया है कि यतीमों का हक क्या है। तो उसमें ये बताया गया है कि आप लोग जो हैं वो ऑफेंस का ख्याल रखेंगे, उनको जो है ट्रीटमेंट हम लोग सही देंगे उसकी, और उनकी जो प्रॉपर्टी उनको पेरेंट्स की तरफ से गिवन है वो हम उनको हिफाजत करेंगे, और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको वापस कर देना है हमें। तो उसमें यही है कि जब यतीम जो हैं जब वो मैच्योर जाते हैं तो हम पे फ़र्ज़ बनता है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी हमारे ऊपर है वो सब हम अमानतें वापस कर दें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो उसी यतीम के हकदार है, लेकिन क्योंकि वो छोटे थे इसी वजह से हम लोगों ने संभाल के रखना था। इसके अलावा ये है कि आप जो हैं अदला बदली नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, और इसके अलावा आप जो है उनकी जो माल है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उसमें से खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, इस क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप जो है उनका हक खा रहे होंगे, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसके अलावा और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो तभी वापस की जाएगी जब वो वाइज एंड मैच्योर होंगे, यानी जब उनको जो है दुनियादारी का इल्म हो जाएगा, तो उसके बाद जाके आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी जो भी माल और दौलत है उनको रिटर्न कर दें। जो नेक्स्ट आयत आपके पास एक्सरसाइज गिवन है वो है सूरह निसा की आयत नंबर 4। उसके अंदर ये बोला जाता है दैट एंड गिव वुमेन देयर डाउरीज एज अ फ्री गिफ्ट, बट इफ दे ऑफ देमसेल्व्स बी प्लीज टू गिव अप टू यू समथिंग ऑफ इट देन कंज्यूम इट विद प्लेजर एंड होलसमली। अब बेसिकली डाउरी क्या होता है कि शादी के बाद जो है शोहर को, या शादी के दौरान निकाह के दौरान जो है शोहर को हक महर तय करना होता है, और ये निकाह नामा में गिवन होता है कि आपका जो हक महर है, औरतों का जो हक महर है वो क्या तय हुआ हुआ है, हर निकाह नामा में गिवन होता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि जो डाउरी है उसका जो हक है वो जो है औरतों का है, यानी हर औरत का हक बनता है कि उसको शादी में या निकाह नामे में जो है डाउरी यानी हक महर उसको दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि उसका अपना हक है, और इस तरह से मर्दों पर फ़र्ज़ बनता है कि जब वो निकाह करें तो मेक श्योर करें कि निकाह नामे में जो हक महर है वो गिवन हो। इसके अलावा उन्होंने ये कहा गया है कि अगर वो अपनी मर्जी से कहे कि माफ़ किया है, अब यानी कि वो नहीं मांग रही आपसे हक में है, ठीक है, तो आप उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये क्या शर्त दी गई कि अपनी मर्ज़ी के साथ वो अगर माफ़ कर रहे हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं कि आप बेशक ना दें, ठीक, तो ही जाके आप जो है उसको खुशी खुशी से जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अंटिल अनलेस वाइफ गिव अप नहीं करती तो आपको अपना हक महर पे करना होता है। अब इसके अंदर ये बताया गया सबसे पहली चीज़ कि जो पेमेंट ऑफ डाउरी है, ये हक महर है, ये एक स्पेशल राइट गिवन है वुमेन के लिए। अब बेसिकली क्योंकि जो है इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस किया गया है, तो इसलिए काफ़ी जगह पे कुरान में इसको रिपीट किया गया है कि ये जो डाउरी है और हक महर है ये औरतों का हक है, और मर्दों को ये हक खाना नहीं चाहिए। तो ये जो हक होता है हक महर का, ये कभी भी माफ़ नहीं होता, इस नेवर वेव, यानी कि अगर मर्द अपनी मर्ज़ी से माफ़ नहीं कर सकता इसको, औरत को माफ़ करना होता है ये। तो ये इसमें है कि बेटर है कि अगर जो हक महर है वो निकाह के वक्त ही दे दिया जाए, यानी जब निकाह नामा साइन हो रहा होता है तो बेहतर है उसी वक्त आप हक महर पे कर दें। और ये गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट होता है हस्बैंड की तरफ से, यानी कि वो हस्बैंड डील कहता है कि मैं आपको एज इज्जत तौर पर उसको तोहफा दे रहा होता है। अब किस फॉर्म में हो सकता है, ये तो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो वैल्यू की हो, यानी कि सोना हो सकता है, जेवरात हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये निकाह नामे में गिवन होता है। ठीक है, और ये जो होगी वो मरते दम तक औरत की अपनी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि शौहर बाद में इसे वापस नहीं ले सकता। तो यानी कि ये अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ भी कर सकता, पैसे दे रहे हैं तो उसकी मर्ज़ी वो किस तरह से पैसे खर्च करें।
बस ये बात ये है कि अगर हक महर को वक्त पे यानी कि निकाह नामा के वक्त पे या निकाह के टाइम पे या अगर निकाह नामा आपने गिवन कर दिया कि मैं एक साल के बाद या दो साल के बाद जो हूँ ये पे कर दूंगा, जो भी आपने वक्त तय किया हुआ आप दोनों के बीच में, तो तब ये मुअज्जल कहलाएगा। और अगर इसको देर से पे किया जाएगा यानी ड्यू डेट के बाद से पे किया जाएगा तो ये मुअज्जल कहलाया जाएगा। इसी तरीके से कि अगर जो है आपने डोरी फिक्स नहीं की, हक महर जो है निकाह नामा में फिक्स नहीं हुआ, तो महर मिसल जो है फ़र्ज हो जाता है। लेकिन अगर शौहर जो है पूरी ज़िंदगी हक महर पे नहीं करता तो ये ज़िंदगी भर तक उस पर एक कर्ज रहेगा, और मरते वक्त जो मर जाएगा तो उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें से जो है वो हिस्सा जो भी डिसाइड हुआ था हक महर वो उसकी बीवी को दे दिया जाएगा। यानी मरने के बाद भी हक महर माफ़ नहीं होता, वो बीवी को देना होता है। इसलिए यहाँ पे इस राइट, इसलिए जो हक महर को हम लोग यहाँ पे गिवन है कि ये एक स्पेशल राइट है। तो यानी कि पे द वाइफ्स द राइट ऑफ डाउरी विद प्लेजर एंड डिज़ायर, यानी कि खुशी खुशी दिया करो, क्योंकि ये खुदा की तरफ से फ़र्ज कर दिया गया। और क्योंकि जो गिफ्ट्स होते हैं जिसे शुरू में बताया ये गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट है, तो यानी तोहफा हमेशा खुशी खुशी देना चाहिए, तो इसीलिए जो डाउरी है वो भी खुशी खुशी देना चाहिए। दिस सेंट फॉर यू टू स्टे टुगेदर टू फॉर गिव डाउरी बाय फोर्स टू पोस्टपोन पेमेंट और टू इंटेंड नॉट टू गिव इट। मर्दों पर ये जो है गुनाह है अगर वो जो है बगैर डाउरी दिए वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं बीवी के साथ। इसी तरीके से अगर वो ज़बरदस्ती माफ़ करवाता है डोरी तो अगेन शोहर को गुनाह मिलेगा। अगर वो पोस्टपोन कर देने, अगर उसने ये देर से दिया, जैसे पहले ही बताया था यहाँ पे कि अगर देर से देते हैं तो मुअज्जल कहलाता है, तो अगर वो पेमेंट में देरी करता है तो अगेन उसको गुनाह मिलता है। एंड अगर वो नियत भी कर लेता है कि वो नहीं देगा तो अगेन उसके खाते पर गुनाह लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आखिर जैसे उन्होंने बताया कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से विलिंगली गिव अप करती है हक महर को, तो हस्बैंड पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। अब डिटेल क्वेश्चन आपके पास चैप्टर वन में गिवन है, उसमें है इन द लाइट ऑफ वर्स लेस अलबर डिफाइन अलबर। लेस अलबर जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, जो शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि लेस अलबर में जो लफ्ज़ बर है यानी कि नेकी, उसमें उस नेकी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो लेस अलबर बेसिकली एक इंसिडेंट, जैसा आपको पहले बताया गया था, इसमें किबला चेंज हो गया था, जो कि हम लोग तकरीबन 16 से 17 महीने हम लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, तो उसके बाद वो काबा में तब्दील हो गया था। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो राइचसनेस है वो जो है हमें इस आयत 177 में बता दिया गया है, और उस राइचसनेस को हम लोग अब बर कहते हैं यानी कि नेकी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बता दिया गया है कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम जो है इस्लाम के जो बेसिक पिलर्स हैं यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात जो भी हैं पिलर्स हैं, इसको हम फॉलो करें। इसके अलावा जो पिलर्स आते हैं उसमें आ जाता है आपका तौहीद आ जाता है, यानी एक खुदा पे यकीन करना, उसके बाद आपके पास जो है नबी पे यकीन करना, और किताबों पर, फरिश्तों पर, आखरत पर, इन तमाम चीज़ों पर अगर यकीन कर रहे हैं तो आप नेक कहलाएँगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब आपको सब आखरत पर यकीन कर रहे हैं तो आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो आप निभा रहे होंगे, आप उसमें जो है कोताही नहीं करेंगे। इसी के अलावा अगर आपको जो है खुदा के सामने आना है, आपको यकीन है कि खुदा है, तो ऑफकोर्स आप दूसरों की मदद करेंगे। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं खुदा हमेशा मौजूद होता है, तो आप कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ेंगे, चाहे आप ज़बानी वादा कर रहे हैं या डील या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसी को ज़बान दे दी है और पूरा कर रहे हैं तो यानी आप नेक में शामिल होंगे, अगर आप नहीं करते ऐसा काम तो फिर आप शामिल नहीं होंगे नेकी में। और फिर पाँचवा में बता दिया गया है कि जो सब्र करता है भूख में, प्यास में, डर में और जंग में, तो इन तमाम चीज़ भूख प्यास ज़्यादातर जो है हम लोग रोज़े के वक्त करते हैं। डर होता है कि हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हम लोगों को डर होता है कि हम गलत राह में चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम खुदा पे यकीन करते हैं, सब्र करते हैं कि खुदा हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लेगा। इसके अलावा जंग में ऑफकोर्स अपनी ज़िंदगी का डर होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सीधी राह में रहेंगे यानी कि अगर हम सब्र करेंगे तो खुदा कोई ना कोई रास्ता में निकाल के देगा, और ये सब नेकियों की निशानी है। फिर शॉर्ट आंसर्स में आपके पास आ जाता है, डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटीज फॉर पेशेंस इन द वर्स लेस अलबर, यानी लेस अलबर वाली आयत के अंदर सब्र कब कब का कहा गया है। तो लेस अलबर बेसिकली हमें सब्र का ही सिखाता है, उसमें जो है मुश्किलात में सब्र करने को कहा गया है, इसके अलावा हमें भूख में, प्यास में, डर में और जंग के दौरान सब्र करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है हमारा कि सलाह रहमी का मतलब क्या है। सलाह रहमी बेसिकली होता है कि जब अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे रखते हों। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस है कि अलवासिल वो नहीं जो कि अच्छा तब करे जब उसके रिश्तेदार उससे अच्छा करें, बल्कि अलवासिल वो है जो दूसरों के साथ, जो दूसरे उसके साथ बुरे रिश्ते करें भी तो खुद अच्छा ही करें। यानी कि वो दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रख रहा है चाहे दूसरे जो हैं वो उसके साथ रिश्ता क्यों ना तोड़ दें। ठीक है, यानी नेकी जो है जो सलाह रहमी है उस चीज़ को कहते हैं। तो इसके अलावा जो नबी ने काफ़ी दफ़ा कहा है जो आपका खून का रिश्ता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको जो है हमेशा उनके साथ प्यार के साथ सलूक रखना चाहिए, और जो रिश्तेदार हैं उनको हमेशा प्यार के साथ और इज्जत के साथ जो है उनके साथ रवैया रखना चाहिए और किसी का हक खाना नहीं चाहिए। और इस सब की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको सूरह निसा की आयत नंबर 1 में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारे पास कुरान के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं गार्डियंस को कि ऑर्फन्स की प्रॉपर्टी के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शन है वो आयत 2 ऑफ सूरह निसा में गिवन है। उसके अंदर ये है कि जो ऑर्फन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आप तब तक रख सकते हैं जब तक वो बच्चे हों या जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। जब इसके अलावा जब आपके पास वो अमानत पड़ी हुई है उनकी ऑर्फन्स की, तो आप उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, अदला बदली नहीं कर सकते, यानी कि कोई अपनी बुरी चीज़ उठा के उनकी अच्छी चीज़ उनसे ले लें बस इसलिए क्योंकि वो जो है सेम कीमत की। लाइक लेट्स सपोज आपके जो आपके पास एक यतीम है उसके पास जो है जो प्रॉपर्टी में है वो उसके पास 100 के करक नोट्स हैं, तो आपने क्या किया है कि आपने जो है पुराने नोट्स जो आपके पास पड़े हुए थे 100 के वो आपने एक्सचेंज कर लिया, और आप ये बहाना करें कि दोनों 100 ही तो हैं, तो वही बात हो गई कि आप जो है कोई बुरी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते बेशक उसकी वैल्यू सेम ही क्यों ना हो। तो अमानत में क्या होता है, आपको हमेशा जो चीज़ मिली थी वही वापस करनी होती है। इसके अलावा जो है आप उनकी प्रॉपर्टी खा ना जाए, यानी कल को आप जो है किसी लॉयर के इस्तेमाल करके आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दें, ये भी अलाउड नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है इस्लाम के अंदर। यानी ऑर्फन जब वो छोटे हों तो उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो दौलत है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो छोटे होते हैं तो वो अपने जो है बचपने के वजह से या लैक ऑफ इंटेलेक्ट के वजह से क्या होता है कि अपने जो माल है वो खो सकते हैं, ऑफकोर्स छोटी जो चीज़ों में खर्च कर लेंगे, तो कोई भी उनको बेवकूफ़ बना सकता है और खा जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया किसी बड़े को जो मेंटली मैच्योर हो उन वो जो है उसकी हिफाजत करे, और जब बच्चा खुद मेंटली मैच्योर हो जाए तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस कर दिया जाए। यहाँ पे आपका सेक्शन ए का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर सूरह बकरा आयत 177 और सूरह निसा आयत 125 मौजूद है कंप्लीट होता है। शुक्रिया।